मंदिर में नौ निर्मित मंदिरों के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित 7 दिवसीय श्री मद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 7वें व विराम दिवस के अवसर पर कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर परशर के ने कहा कि समाज में साक्षरता के साथ सरसता की ही परम आवश्यकता है, क्योंकि साक्षर व्यक्ति यदि सरस नहीं है तो वो विपरीत आचरण करने लगता है और साक्षर से राक्षस का रूप धर लेता है। इसलिए शिक्षा से व्यक्ति शिक्षित या साक्षर हो सकता है, किंतु सरस बनने के लिए उसे साथ में भगवान के कथामृत का श्रवण करना भी परम आवश्यक होता है। इसके द्वारा व्यक्ति के अंदर भक्ति का जो भाव जगता है उससे वो संसार के प्रत्येक प्राणी में भगवत दर्शन करते हुए सभी के साथ प्रेम करने लगता है। लोके वेदे चा प्रथितः पुरुषोत्तमः, अर्थात जीव के धर्मभूत ज्ञान में विकार है, प्रकृति के स्वरूप में विकार है, लेकिन परमात्मा के प्रकृति और धर्मभूत ज्ञान में रंजमात्र विकार नहीं है, इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं। और आप यहाँ नवनिर्मित मंदिरों में दशावतार में अनुभव करेंगे कि भगवान नारायण का विराट स्वरूप है और विराट स्वरूप हमें विराटता का अनुभव कराता है। बंधुओं, गोरक्षपीठ में समग्र अपना सनातन धर्म सन्निहित है। यहाँ गोमा की सेवा, पंचदेवों की सेवा, विप्रों की सेवा, गरीबनाथ की सेवा है। यहाँ बस भगवान के चरणों में, भागवत भगवान के चरणों में, और ये जो मंदिर बने इनमें जो विराजित देवी देवता हैं, इन सबके चरणों में प्रार्थना है कि जैसा राज्य हमारे पूर्व राजाओं ने हमारे भारत देश को दिया था, सारी प्रजा को स्वर्ग तुल्य यहाँ सुख दिया था, हमारे राजाओं ने, हमारे ऋषियों ने साधन के लिए नहीं बल्कि साध्य को पाने के लिए किया था। राजा प्रजा के आत्महित के लिए आयोजन करते थे, उपदेश देते थे। आज वही कार्य हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी और परम कर्मठ के साथ बालिक को बनाए। और अब इसी सम्मानित मन से और श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की पुण्यभूमि कार्यक्रम के साथ ही श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर में नवनिर्मित मंदिरों में देव विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम अभी संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर पिछले एक सप्ताह से आप सभी श्रद्धालुजनों को, जिनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा को श्रवण करने का यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हमारे कथा व्यास परम विद्वत संत डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी महाराज पर विराजमान, जगत गुरु रामानुजाचार्य अयोध्या धाम से पधारे, पूज्य संत स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य संत सुग्रीव कुलाधीश स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, अयोध्या धाम से पधारे जगद्गुरु रामानुजाचार्य, पूज्य स्वामी श्री श्री रथराजाचार्य जी महाराज, हमारी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए सैकड़ों संत और योगेश्वर वर्तमान में गोरखपीठ में विराजमान है, यहाँ आए हुए हैं। और उसमें बाबा मस्तनाथ जी रोहतक के सीमांत और राजस्थान अलवर से लोकप्रिय सांसद महंत योगी साधक दास जी महाराज, बाबा अमृतनाथ मठ फतेहपुर शेखावटी राजस्थान के श्री महंत नरहरिनाथ जी महाराज, हमारे अन्य ने भी सारण से यहाँ पर पूज्य संत
विराजमान हैं, स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज आए हैं, अनेक पीठों से जुड़े हुए हमारे पूज्य आचार्य गण आए हैं, संतजन आए हैं, इन सबको मैं गोरखस्पीठ की ओर से हृदय से उन सबके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक सभा से आप सबको यहाँ पर इस पावन धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने, श्रीमद् भागवत महापुराण के इस पावन कथा को सुनने और इस धार्मिक अनुष्ठान के माध्यम से पुण्य अर्जित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले यहाँ पर आयोजन समिति की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अपने कथा व्यास डॉक्टर श्याम सुंदर परासर जी महाराज का, जिन्होंने एक सप्ताह के अंदर अपने विद्वत और विशिष्ट शैली से श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन कथा के श्रवण का अवसर आप सभी भक्तजनों को यहाँ पर उपलब्ध करवाया है। आपने देखा होगा कि ब्रज भाषा में, हिंदी में, संस्कृत में विभिन्न उद्धरणों के साथ उन्होंने इस पावन कथा को बहुत ही सहज और सरल बना करके समसामयिक मुद्दों को उसके साथ जोड़ते हुए कथा का वास्तविक मर्म क्या है, इन सभी को इस पूरी पावन कथा के साथ जोड़ते हुए एक सप्ताह तक यहाँ पर आप सबको इस आध्यात्मिक आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर दिया है। मैं उनको आयोजन समिति की ओर से वैसे धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। श्री श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भी आयोजन अभी पूर्णाहुति के साथ संपन्न हो रहा है। एक सप्ताह में 15 मई को कलश यात्रा से आयोजन प्रारंभ हुआ, पंचांग पूजन विवाद कार्यक्रम आगे बढ़ा और आज देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूर्णाहुति के साथ धार्मिक आयोजन आज विराम लेगा। इस अवसर पर जो हमारे आचार्यगण हैं, यजमानगण हैं, श्रद्धालुजन हैं, उन सभी को और इस पूरे आयोजन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के योगदान देने वाले हमारे सभी पूज्य संतजन हैं, खासतौर पर यहाँ पिछले एक सप्ताह से यहाँ पर रहकर इस पूरे आयोजन को पूरे उत्साह के साथ सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान दे रहे हैं। अपने काशी से पधारे सतवा बाबा आश्रम के श्री महंत महामंडेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, कालीबाड़ी के आपके चिरपरिचित महंत जी हैं रविंद्र दास जी महाराज और हमारे यहाँ गोरखस्पीठ के हमारे गोरखनाथ मंदिर के जो प्रधान पुजारी हैं योगी कमलनाथ जी, उन सभी योगेश्वरों ने भी इस पूरे आयोजन के साथ इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। उन सबको, सभी यजमानगणों को, आप सभी श्रद्धालुजनों को मैं इस अवसर पर इस पवित्र आयोजन के सकुशल संपन्न होने और आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ जी से जो 9 मंदिरों में यहाँ पर देव विग्रह विराजमान हुए हैं, उन सब से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इस जगह का पुण्य आप सबको प्राप्त हो, इस कथा के माध्यम से और यज्ञ के माध्यम से जो भी पुण्य प्राप्त हो वह लोक मंगल के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए हम सब उसको उपयोगी बना सकेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आप सब के प्रति, कथा व्यास जी के प्रति, पूज्य संतों के प्रति और इस आयोजन के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति जिन्होंने इस कार्यक्रम के साथ पूरी सद्भावना के साथ जुड़ करके इस पूरे आयोजन को धर्म
हमें आध्यात्ममय बनाने का पूरा योगदान दिया है, उन सब के प्रति भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सम्मान किया गया है और अपने जो एक तो इस पूरे व्यवस्था के जो आर्किटेक्ट थे इंजीनियर अनुपम अग्रवाल, कैसे मंदिर बनने हैं, उसकी माप क्या होनी चाहिए, वास्तु के अनुसार क्या कार्यक्रम होने चाहिए, ये सभी उन्होंने इसको पूरी तन्मयता के साथ जोड़कर विगत 3 वर्षों से वे नियमित यहाँ पे आकर के मंदिर से जुड़े हुए जो इंजीनियर थे उनके साथ मिलकर के अन्य जो इस पूरे निर्माण कार्य के साथ जुड़े हुए लोग थे उन सबको समय समय पर मार्गदर्शन करते थे। परिणाम था एक समय सीमा के अंदर वे सभी मंदिर बनकर के तैयार थे और आज वहाँ पर देव विग्रहों की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मंदिरों में देव प्रतिमाओं का विराजमान होना और मंदिर के साइज के अनुरूप देव विग्रह भी और उन्हें व्यवस्थित रूप से स्थापित करने के लिए पिछले कई दिनों से जयपुर से यहाँ पर जैमिनी मार्बल आर्ट के श्री मुकेश कुमार जैमिनी और श्री श्योम जैमिनी यहीं पर प्रवास करते हैं। सभी मूर्तियों को कैसे स्थापित करना है और मूर्तियां अगर यद्यपि वे अब तो साक्षात यहाँ पर देव विग्रहों का प्रतीक बन चुकी है लेकिन जब ये मूर्तियां वैसे भी आई थी भारी भारी थी, यानी अगर हनुमान जी की मूर्ति का वजन आप देखेंगे तो आप कम से कम 7 से 8 क्विंटल से कम नहीं है, लेकिन उस मूर्ति को सकुशल वहां तक पहुंचा दिया। अन्य मूर्तियों को भी देखेंगे कोई 5 क्विंटल से कम नहीं, कोई 3 क्विंटल, कोई 1 क्विंटल से कम तो कोई नहीं होंगे, लेकिन उन सभी मूर्तियों को सकुशल वहां पर पहुंचा देना और उनके सौंदर्य में किसी भी प्रकार का कोई खरोच तक ना आए यह एक अद्भुत कला है। यानी मूर्ति बना देना, उनकी सजावट कर देना, लेकिन सजावट के साथ ही उन मूर्तियों को और मंदिरों की भी सजावट आपने देखा होगा कितनी बहुत ही अच्छे उस पर उन्होंने करने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए श्री मुकेश कुमार चैन और उनके पुत्र और उनकी पूरी टीम को भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ ही जिन राजमिस्त्रियों मजदूरों ने भी पूरी मजबूती के साथ मिलकर के काम किया, यहाँ पर श्री के कंस्ट्रक्शन के हमारे जगदेश आनंद जी और उनकी टीम ने जो उनके राजमिस्त्री थे उनके अन्य लोग थे उन लोगों ने पूरी मजबूती के साथ जोड़ करके उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया। उन्हें भी मैं इस अवसर पर हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि ये देव मंदिरों की स्थापना में हम लोग वास्तु का ध्यान तो रखते हैं, मूर्ति कैसे बननी चाहिए इसका भी ध्यान रखने का प्रयास होता है, लेकिन उन मूर्तियों के संरक्षण के साथ साथ स्वच्छता के प्रति भी हम आग्रही बने, दूर से पूजा करें क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र विराजमान है। उस मूर्ति को अपने अंतःकरण में धारण करने का प्रयास और उसके माध्यम से फिर अंतःकरण की शुद्धि अगर हो जाती है तो मान के चलिए कि सब कुछ हमने प्राप्त कर लिया है और यह भाव आपको उन सभी देव मंदिरों में दर्शन करने के उपरांत अवश्य महसूस होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आयोजन समिति की ओर से कथा व्यास जी के प्रति, यज्ञाचार्यों के प्रति, अपने पूज्य संतों के प्रति और आप सही यजमान और भक्तगणों के प्रति भी हृदय से साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं। कथा का संयोग और प्राण प्रतिष्ठा का संयोग तो परस्पर संयोग प्रारंभ काल से ही रहा है और प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से
कथा भी हो रही है और कथा के माध्यम से वैदिक विद्वानों के द्वारा उच्चरित मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठा भी हो रही है। नवग्रहों की प्रतिष्ठा भी है, देवी जी की भी प्रतिष्ठा भी है, हनुमान जी की भी पुनः विशेष रूप से प्रतिष्ठापना हो रही है और विशेष महत्वपूर्ण ढंग से हो रही है। ये लोकहित के लिए, जनहित के लिए, कल्याण की दृष्टि से ये प्रतिष्ठापना होती है कि लोग अधिक से अधिक लाभ है। भागवत की कथा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को उपदेश देते हुए कहा है कि जो हमारी प्रतिष्ठा करता है वो सार्वभौम पद को प्राप्त करता है, जो हमारा मंदिर बनाता है वो त्रिलोकी के स्वामित्व को भी प्राप्त करता है, और जो पूजा आदि की व्यवस्था करता है वो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, और जो तीनों करता है, मंदिर भी बनाता है, प्रतिष्ठा भी करता है और पूजा की व्यवस्था भी करता है, वो मेरे समान हो जाता है। इस तरह भगवान ने इस महत्व को रेखांकित किया है। और इसीलिए जैसे राजा के पांच रूप होते हैं, एक रूप से तो वह अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ ग्रीन रूम में रहता है, दूसरे रूप से वो न्यायालय में बैठकर न्याय करता है, तीसरे रूप से दिग्विजय यात्रा करता है, चौथे रूप से खुफिया बन करके अपने राज्य के अंदर क्या चल रहा है पता लगाता है, और पांचवें रूप में वो सिक्के के ऊपर भी रहता है राजा। उसी तरह भगवान जो हैं, भगवती लक्ष्मी के साथ रहते हैं तो ग्रीन रूम में रहते हैं, एकांत में कोई नहीं पहुंच सकता। जब क्षीर सागर में बैठते हैं उस समय न्यायालय में रहते हैं, वहाँ देवता लोग अपनी प्रार्थनाएं लेकर जाते हैं कि रावण सता रहा है, कुंभकर्ण सता रहा है, हिरण्यकश्यपु सता रहा है, और भगवान दिग्विजय यात्रा भी करते हैं श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में जो अवतार होता है, विरोधी राजाओं का दमन करते हैं उस दिग्विजय यात्रा में, रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यपु आदि का। और राजा जैसे गुप्तचर के रूप में रहता है ना, वैसे भगवान परम गुप्तचर के रूप में रहते हैं, वो अंतर्यामी बन करके अंतःकरण में विराजमान होकर के हमारे सारे स्याह सफ़ेद कारनामे देखते रहते हैं, इसलिए भगवान उस रूप में रहते हैं। और सिक्के के रूप वाला जो स्वरूप है वो भगवान मंदिर में विराजमान हो गए तो सिक्के के रूप में हो गए, मेरे काम आने वाला सिक्के वाला ही रूप है, उसी सिक्के को दे करके हम बाजार में अपनी भूख मिटा सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं।